नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सिजीबुड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे बैंकिंग एवं कराधान प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 5 में उससे थोड़ा सा एक अलग है और ज़्यादातर बच्चे वहीं पर गलती करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से वहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो वही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। हो सकता है आप अगर इस चीज़ को ना समझेंगे तो आपसे भी वो गलती हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 प्रति माह जमा करता है और 8,000 अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि वह 2,00,000 तक कोई आयकर नहीं देता तथा 2,00,000 से अधिक पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100% अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये हो तो राजेश द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका जो वार्षिक आय होता है किसका है, राजेश की कुल वार्षिक आय है ना, राजेश की कुल वार्षिक आय कितना दिया है, 5,25,000 रुपये। ये आप लोग टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, आपका गणित के बुक में पेज नंबर 202 पर है ये प्रश्नावली, वहां से आप प्रश्न देख सकते हैं। उसके बाद भविष्य निधि में कितना जमा करते हैं, क्योंकि दान वान दिया नहीं है तो उसका कोई भी उल्लेख नहीं होगा। सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि, देखो यहाँ पर प्रति माह दिया है ना, प्रति माह 8,000 दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 को आप 12 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये वार्षिक निकल के आएगा आपका 12,96,000, ठीक है। और उसके बाद है भारतीय जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम कितना है, 8,000, ठीक है। उसके बाद दो ही जगह बचत कर रहे, दो ही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, कुल जमा राशि, कुल जमा राशि बराबर कितना हो जाएगा, 96,000 प्लस में 8,000, तो 96 में 4,000 डालेंगे, 1,00,000 हो जाएगा, बाकी का 4,000 और बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1,04,000। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जो गलती की मैं बात कर रहा था, वो गलती यहीं पर करते हैं। अभी तक के जो प्रश्न थे, जो चार जो क्वेश्चन के, उसमें कैसा था कि 1,00,000 से कम था और यहाँ पर क्या लिखा है, आयकर में सभी बचत पत्रों पर 100% अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये बोला है। इसका मतलब यह है कि 1,00,000 तक छूट है, 1,00,000 से कम रहेगा तो उतना रुपए पे कर नहीं लगेगा, लेकिन 1,00,000 से जब ऊपर हो जाएगा तब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो कुल जमा राशि रहता था आप उसी को घटा देते थे उसके आय में, है ना, लेकिन अब ये 1,00,000 से ऊपर हो गए तो आप क्या घटाओगे, क्या 1,04,000 को घटाओगे। अभी तक जो करते आए थे आप, उसमें कैसा था, ये जो आता था कुल जमा राशि जोड़ के उसी को आप घटा देते थे, उसमें टैक्स नहीं लगता करके, लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, सभी बचत पर छूट
लाख रुपए तक है। अतः 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा, है ना, कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो 1 लाख रुपए है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 1 लाख को आप उसकी इनकम से माइनस करोगे। अब यही चीज यहाँ पे करना है आपको, 1,04,000 को माइनस नहीं करना है, सीधा 1 लाख को माइनस करना है। इसीलिए क्या निकालेंगे हम लोग, कर योग्य आय। तो कितनी आय पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये कर योग्य आय बराबर उसका इनकम कितना था, 5,25,000, 5,25,000 माइनस 1 लाख करेंगे, समझ गया ना, कि 1,04,000। ये गलती ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते हैं, आपको ये नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा इसका कर योग्य है, 5 लाख में से 1 लाख घटा दे तो 4 लाख, और ये 25,000, ठीक है, 4,25,000 रुपये। अब हमको यहाँ पे हमको जो उसको टैक्स लगाने के लिए जो टेबल दिया रहता है, वो टेबल नहीं दिया, यहाँ लिखा है कि 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं है, 2 लाख से अधिक पर 10% है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधा सीधा एक ही बताया गया है कि 2 लाख से इन जो रुपया कितना भी ज़्यादा रहे उसका कोई मायने नहीं है, एक ही बार टैक्स लगेगा, और बाकी की जानकारी यहाँ दिया नहीं है, तो एक ही टैक्स लगेगा 10%। 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, कोई आयकर नहीं है, तो इसीलिए देय आयकर, इसीलिए देय आयकर बराबर जो 4,25,000 है, 4,25,000 माइनस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसका 10%, यही दिया गया है। तो कितना बचेगा इसमें से, दो तो 2,25,000 है ना, 2,25,000 का 10%, ठीक है, 1,00,10,00। तो कितना हो जाएगा ये, 22,500 है ना। अब 22,500 आया, उसके बाद शिक्षा उपकर दिया है, यहाँ शिक्षा उपकर दे आयकर का 3%, शिक्षा उपकर बराबर देय आयकर, दे आयकर का 3%, ठीक। तो हमारा दे आयकर है 22,500, तो 22,500 का 3%, है ना, 2,020 कट, 5, 3, 15 से 5 आएगा, और 3, 2, 6 और 1, 7, 3, 2, 6 है ना, तो 675 रुपये शिक्षा उपकर आएगा। तो इस प्रकार दे आयकर, ये टोटल उसको जो टैक्स भरना है, कुल दे आयकर, कुल देय आयकर बराबर कितना हो जाएगा, 22,500 प्लस 675, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 75 का 75 ही आएगा, 5, 6, 11 का 1, 2 और 1, 3, तो 23,175 रुपये उसका कुल आएगा, कुल देय आयकर उसका आएगा। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, धन्यवाद।